हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर के ब्यूटी कॉर्नर। आज मैं आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर करूंगी जो कि है हमारे डार्क सर्कल के लिए। डार्क सर्कल की समस्या हम सबको कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से हम इस प्रॉब्लम में आ ही जाते हैं दोस्तों। या तो हम बहुत अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं तब भी डार्क सर्कल हो जाते हैं, हम ज़्यादा सोते हैं तब भी डार्क सर्कल हो जाते हैं, ज़्यादा मोबाइल या लैपटॉप को यूज़ करने से भी डार्क सर्कल हो जाते हैं, या किसी न किसी विटामिन ए या ई की डेफिशिएंसी की वजह से भी डार्क सर्कल हो जाते हैं। हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारा गलत खान पान या गलत लाइफस्टाइल की वजह से भी हमें डार्क सर्कल हो जाते हैं। वजह चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, लेकिन जो आज मैं आपको रेमेडी बताऊंगी उससे आप अपने डार्क सर्कल से 7 से 8 दिन में छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक फेस पैक और उसके बाद हम बनाएंगे एक क्रीम। तो देखते हैं सबसे पहले हम फेस पैक बनाने के जो इंग्रेडिएंट हैं वो। दोस्तों, हम अपने अंडर आई पैक बनाने के लिए जो हम सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है ये हरड़। हरड़ जो है ये चाहे आप अपने घर पे पीस लें या फिर आप बाज़ार से पीसा हुआ पाउडर भी ले सकते हैं। इस तरह से किसी भी अच्छे ब्रांड का आप पाउडर ले लें, हरड़ पाउडर बोल के। तो दोस्तों, इसमें फंगल एलर्जी, इन्फेक्शन एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये विटामिन सी की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है इस हरड़ में। तो दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा ये हनी। हनी भी जो है दोस्तों, ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर होता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं और ये स्किन रिपेयरिंग का काम भी करता है। तो हम दोनों को मिक्स करके आज हम जो बनाएंगे वो अंडर आई पैक बनाएंगे। तो ये 1 से 1.5 चम्मच है हरड़ पाउडर, इसमें मैं हनी मिक्स करूँगी और हम अपना पेस्ट तैयार करेंगे। ये 1 से 1.5 चम्मच हरड़ पाउडर है, उस अकॉर्डिंग से मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच ही शहद डालूंगी। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये इसका पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। इसे हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे वरना फिर ये वही टपकने वाला काम हो जाएगा। हम इस तरह से लगाएंगे कि ये क्रीम की तरह हम अच्छे से इसे लगा सकें, ये हमारी आंखों के नीचे ऐसे टिका रहे, इतना गाढ़ा हम इसे रखेंगे। तो ये बनने के बाद हम इसे एक साफ बॉटल में निकाल लेंगे। ये पेस्ट आपका 15 से 20 दिन तक चलेगा, उसके बाद जब ये फिनिश हो जाए तो आप नया बना लीजिए, वरना इतने दिनों के बाद तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 7 से 8 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में जो है आप अपने अंडर आई जो डार्क सर्कल हैं उससे छुटकारा पा लेंगे। ये देखिए, इसे मैं इस तरह से सिंपली इस बॉटल में शीशे में निकाल रही हूँ, किसी भी साफ शीशे में आप इसे निकाल लें। तो अब हम बनाएंगे दोस्तों अंडर आई क्रीम। अंडर आई क्रीम बनाने के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट चाहिए। एलोवेरा जेल, ये मेरे पास है नेचर का एलोवेरा जेल, आप कोई भी अपने पसंद का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। और दूसरा है ये बादाम तेल, ये मेरे पास है ये हमदर्द का बादाम तेल। और नेक्स्ट है ये विटामिन ई के कैप्सूल, इवियन के कैप्सूल हैं ये, इवियन 400। तो 2 कैप्सूल मैं लूँगी और 1 चम्मच मैं लूँगी इसमें एलोवेरा जेल। ये 1 चम्मच भर के मैं ले रही हूँ, थोड़ा सा और ले लेते हैं हम। और उसके बाद मैं लूँगी ये 1/2 चम्मच के करीब या 10 से 12 ड्रॉप आप बादाम तेल। और ये 2 इवियन के कैप्सूल मैं लूँगी, विटामिन ई के कैप्सूल हैं ये, विटामिन ई। इसे भी काट के मैं इसमें मिक्स कर लूँगी।
इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये मिक्स करने के बाद इस तरह की फॉर्म में आ जाता है। ये देखिए, ये हमारी क्रीम बन गई है। अंडर आई क्रीम, नाइट क्रीम के तौर पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसे खाली एक बॉटल में इसे भी निकाल लेंगे। मेरे पास है ये इस तरह की क्रीम की शीशी, तो मैं इसमें इसे निकाल लूँगी। दोस्तों, ये भी आपकी 15 से 20 दिन बड़े आराम से चल जाएगी और ये भी ख़राब नहीं होगी। इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी आप आराम से रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। और 15 से 20 दिन के बाद जब आपकी ये ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा से बना। से 20 मिनट तक दोस्तों हम इस पैक को लगाएंगे और इसे लगाने के बाद हम इसे वॉश कर देंगे और वॉश करने के बाद हम लगाएंगे ये क्रीम। इस क्रीम को आप अगर रात को सोते वक्त लगाएंगे तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदा करेगी। इसे आप एज अ नाइट क्रीम पूरे फेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपकी स्किन में बहुत ग्लो आएगा। अगर आप पैक दिन में लगाते हो तब भी आप रात को इस क्रीम को आँखों के नीचे लगा कर सोएं, इससे बहुत जल्दी फ़ायदा होगा और जल्दी आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की इतनी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।